हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इज फन विद आर्यन। तो फ्रेंड्स, आप भी मेरी तरह इस लॉकडाउन में बाहर का खाना खाने को तरस रहे होगे, पर हमेशा की तरह मैं घर पे ट्राई करता हूँ हर चीज और आपके साथ भी शेयर करता हूँ हमेशा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैकडोनल्ड्स वाले मैक पफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए आपको हमेशा की तरह। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स मैक पफ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिए बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, साथ में मैंने लिए बारीक कटे हुए प्याज, एक कटोरी कॉर्न्स और साइड साथ में मैंने लिए चीज़। मैंने अमूल की यूज़ करी है, आप किसी भी कंपनी की यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैक पफ के लिए हम फिलिंग बनाएंगे उसकी। गैस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैक पफ की फिलिंग बनाने के लिए एक कढ़ाई ले ली है मैंने। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई के अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल के डालूंगा मैं, 2 बड़े चम्मच। तो फ्रेंड्स, थोड़ा गर्म होने देते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1/2 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट का। तो फ्रेंड्स, अब इसके अंदर डालेंगे अपने प्याज डाल देंगे जो बारीक बारीक काटे थे हमने। इसको 2 मिनट तक फ्राई करेंगे हमें। इसके बस कच्चापन निकालना है। अब मैं इसके अंदर अपनी शिमला मिर्च डाल दूंगा। साथ में कॉर्न्स भी डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट और डाल देंगे हम। बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, इसको मिक्स कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको पकाते पकाते 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर 2 बड़े चम्मच मैं पिज़्ज़ा सॉस के डाल लूँगा। इसको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसको मिक्स कर लेता हूँ जल्दी से। साथ में इसके अंदर हम 3 बड़े चम्मच केचप के डाल लेंगे। तो मैंने 3 बड़े चम्मच टमाटो केचप के डाल दिए हैं। इसको जल्दी जल्दी हिलाना है, गैस को मीडियम रखिएगा आप। तो फ्रेंड्स, मुझे फीलिंग है थोड़ी सॉसी चाहिए। इसके अंदर मैं डालूंगा 1/2 गिलास पानी, यानी 100 ml। इसको अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ जल्दी जल्दी।
आप देख सकते कितना सॉसी बना है ये। इसको 2 मिनट तक पकाना है बस। अब देख सकते हैं सॉस पानी की तरह नहीं बना, एक स्लरी की तरह बना है, जो कि हमें चाहिए था, यही कंसिस्टेंसी चाहिए थी और ये बहुत टेस्टी होएगा। तो फ्रेंड्स एक चीज़ हम इसके अंदर डालना भूल गया, जो कि नमक। तो फ्रेंड्स 2 चुटकी के आसपास मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया। थोड़ी सी हम इसके अंदर लाल मिर्च डालेंगे, आप चाहे तो रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा मिर्ची पसंद है तो आप रेड चिली सॉस भी डाल सकते हैं इसके अंदर, और आप ओरिगैनो भी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा जो वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो चुके हैं, जो हमने फिलिंग बनाई है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाके लाइक कर दीजिए। अब हम गैस बंद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स मैक पफ का डो बनाने के लिए सबसे पहले एक परात लिए, इसके अंदर हम 1 कप मैदा डालेंगे। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 2 चुटकी नमक। इसको अच्छे से हाथों से मिक्स करना है हमें, मसलना। तो इसके बीच में मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ इसके लिए। इसके बीच में डालूँगा 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल। पहले 1 टीस्पून डालूँगा, 15 ml यानी। एक बार में 15 ml डालेंगे पहले। इसको अच्छे से मलना बिल्कुल हमें। थोड़ा ज़ोर से मसलना है इसको। आप देख सकते कैसे बाइंड होना शुरू हो गया ये। अब इसके अंदर पानी डालेंगे हम, थोड़ा सा पानी डालूँगा पहले इसके अंदर मैं। धीरे धीरे करके पानी डालना है हमें इसमें, जिससे कि हमें अंदाज़ा लगे कितना पानी डालना है हमें। एक ज़ोर ज़ोर से मसलना में। तो मैं थोड़ा सा और पानी डाल देता हूँ इसके अंदर। तो मैं जल्दी से गूंद लेता हूँ आटे को। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने आटा कितने अच्छे से गूंद लिया। आपको जैसे याद होगा कि सबसे पहले हमने 1 टीस्पून इसके अंदर रिफाइंड ऑयल डाला था, इसलिए थोड़ा हार्ड है। इसलिए अब इसके अंदर 1/2 टीस्पून रिफाइंड ऑयल और डाल देंगे हम इसके अंदर। इसको अच्छे से मसलना हमें, ताकि जो रिफाइंड ऑयल इसके अंदर अच्छे से हो जाए और सॉफ्ट बन जाए हमारा आटा। तो आप देखते हैं आटा कितना सॉफ्ट बना है, उंगली भी इसके अंदर आ रही है हमारी, लग रही है। इसको 15 मिनट तक हम रेस्ट होने के लिए रख देते हैं। उतनी देर हम अपने सॉस की तरफ चलते हैं। तो हमारी जो फिलिंग थी वो काफ़ी हद तक ठंडी हो चुकी है। इसके अंदर 1/4 कप मैं डालूँगा चीज़।
मैंने 1/4 कप इसके अंदर पिज़्ज़ा चीज़ की डाल दिया। इसको मिक्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी। बहुत ही ज़्यादा चीज़ी बनने वाला है ये। इसको मैंने मिक्स कर दिया, ठंडा होने रख देते हैं इसको, क्योंकि 15 मिनट हमने अपना डो भी रखा है। फ्रेंड्स हमारे डो को रखे हुए 15 मिनट हो चुके हैं, ये अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। इसको एक बार दोबारा से मसल लेंगे। तो ये तैयार है बिल्कुल। इसको 4 से 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, पेड़ों की तरह बना लेंगे जैसे हम रोटी के लिए बनाते हैं। इनका साइज आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको बड़े बनाने तो पेड़ा बड़ा रख लें, नहीं तो छोटा रख लें। अच्छे से गोल नहीं बनाया क्योंकि हमने इसको बेलना, तो फिर भी शेप देनी पड़ेगी हमें एक बार। तो फ्रेंड्स 6 लोइयां बनी है मेरी इससे, अब इनको बेलते हैं हम। फ्रेंड्स इनको बेलने के लिए आप चाहे तो एक चॉपिंग बोर्ड ले सकते हैं, आप चकला यूज़ कर सकते हैं, पर हम शेल्फ पे बेलते हैं तो मैं शेल्फ पे ही बेल रहा हूँ इनको। एक बेलन लेना मैं ऐसे, इसको वो चपटा कर लेता हूँ मैं, इसको बेलते हैं। कोशिश करना कि स्क्वायर में बने। तो फ्रेंड्स हमें इसको ज़्यादा भी पतला नहीं बनाना, क्योंकि अगर पतला बनाएंगे तो ये फूलेंगे नहीं, और अगर हम मोटा बनाओगे तो ये उसके अंदर फट सकती है और बिखर जाएगा इसके अंदर जो भी हम फिलिंग डालेंगे। तो आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छे से बेल लिया, ना ज़्यादा मोटा ना ज़्यादा पतला। और इसको शेप में काट लेते हैं हम स्क्वायर में। फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा उसको निकाल लेते हैं, आप देख सकते हैं पूरे स्क्वायर शेप में हो चुका है ये। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच जो फिलिंग बनाई थी वो डालूँगा। इसको फैला लेंगे थोड़ा सा, इसको ज़रा साइड में रख लेते हैं। ऐसे से हम एक और बेल लेते हैं। आप चाहे तो पेड़ा बड़ा रख सकते हैं, जिससे कि एक ही बारे में दोनों साइड की बन जाएगी। इसकी भी साइडें काट लेता हूँ मैं। आप देख सकते हो स्क्वायर में काट लिया इसको मैंने। इसको ऐसे रखते हैं, एक कटोरी के अंदर पानी ले लेते हैं। एक कटोरी में पानी ले लिया मैंने, अब इसकी साइडों पे पानी लगाएंगे उंगली की मदद से, जिससे कि सील हो जाए अच्छे से। चारों साइड पानी लगा लिया मैंने इसके, जो हमने दूसरे में इसके ऊपर टिका देंगे। वैसे उंगलियों से प्रेस करके इसको सील कर लेंगे।
जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ऐसे करना। एक बार इसको हम फोक से भी करेंगे। एक ऐसा फोक ले लिया मैंने। तो फ्रेंड्स फोक से एक छोटी हो जाती है, मैं ये सील हो चुका है। फोक इसके ऊपर ऐसे रख के हम ऐसे स्लाइडली इसको डाउनवर्ड करेंगे। इससे डिज़ाइन भी बन जाएगा और ये सील भी हो जाएगा अच्छे से। चारों तरफ से सेम करना है हमें। तो फ्रेंड्स जो एक्स्ट्रा आपको लग रहा है कि इसमें है तो आप चाकू से निकाल लें। तो फिर मैंने इसका एक्स्ट्रा निकाल दिया सारा। अब आप देख सकते हैं मैकोफ कितना अच्छा बन गया। मैं जल्दी से बाकी सारे बना लेता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे मैकोफ कितने अच्छे बने हैं। अब आ रही है इनको फ्राई करने की। मैंने गैस पे एक कढ़ाई के अंदर फुल फ्लेम पे रिफाइंड ऑयल गर्म होने रख दिया। तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने एक ऐसी कढ़ाई गर्म कर ली है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने मैक पफ। तो मैं एक टाइम पे दो पफ डाल रहा हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो गैस को मैंने मीडियम कर लिया था क्योंकि मीडियम पे ये अच्छे से कुक होंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बस इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बने हैं, बिल्कुल मोमोज की तरह, सॉरी समोसों की तरह कलर आता है इसका, लेकिन उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर आपको एक तोड़ के भी दिखाऊंगा। जल्दी से बाकी तल देता हूँ। तो फिर जैसा कि आप देख सकते हैं सारे तल लिए मैंने मैक पफ। अब आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ। थोड़ा काटना पड़ेगा, काफ़ी गर्म है। तो आप देख सकते हैं कितना चीज़ी बना है। होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।